हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में मैं फिर से आपको हैंड की हेल्प से, हैंड के ट्रिक से क्रैब बनाना बताऊंगी। क्रैब को हम कैसे बना सकते हैं, क्रैब यानी केकड़ा जो होता है उसको बनाएंगे, कि किस इजी वे में कैसे बना सकते हैं हैंड की हेल्प से। तो बहुत ही आसान है। आप लोग इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे और एंड को तक देखिए उसको, तभी आपको समझ में आएगा कि वो कोई भी ड्राइंग जो है वो तभी समझ में आएगी। जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे आपको वो समझ में नहीं आएगी। तो एंड तक ज़रूर देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए क्रैब को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब जो है वो क्रैब को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये फिंगर्स जो है इनको इस तरीके से रख लेना है। बहुत दूर नहीं करनी है, बहुत पास भी नहीं करनी है, उनके बीच में हमें स्पेस देना हुआ है। और ये थंब का जो है वो यूज़ नहीं करना है हमें, सिर्फ हमको फिंगर का ही यूज़ करना है। तो इसलिए इसको ऐसे बनाएंगे, यूँ इस तरीके से जो है बनाते चलना है हमें। और इसको यहाँ से यहाँ पर ला के छोड़ देंगे, ऐसे इधर भी और इधर भी। ये देखिए, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को लेंगे और इसको ऐसे उल्टी साइड पे रख देते हैं। अब ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है हम उसको लेंगे, ऐसे ही करना है हमें उसमें भी। इसको हमको यहाँ से यहाँ रख लेना है, ये जो हमारा थंब का पार्ट था ये, और इसको भी ऐसे फिंगर्स को ऐसे फैला देना है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये देखिए तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ से जो है यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इसे ऐसे लेके आते हैं इसको, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो आराम से करिए, ऐसा कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि लेफ्ट हैंड से जो है पेंसिल पकड़ने की हैबिट नहीं होती है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब हम तरह की कोई भी ड्राइंग करते हैं। तो ये देखिए, और इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि नहीं अब ये ख़राब हो जाएगा, कैसे होगा, उसको बाद में हम लोग फिक्स कर लेंगे, उसको बाद में करेक्ट कर लेंगे उसको जो भी है। तो इसको हम पहले ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए। तो ये जो ये है ये आ गया। अब हम इसको यहाँ से ये मिला दिया, इधर से भी, अब इधर से भी जो ये इस तरीके से आया है इसको भी हम इसे इधर से फिक्स कर देते हैं यूँ। और ये भी यहाँ से हम ये हो गया फिक्स, ये देखिए सही हो गया। आपको जहाँ थोड़ा भी लगे आप देख रहे हैं ना, ये देखिए बहुत आसान था दोनों तरह से करना। उसके बाद थोड़ा बहुत रह गया, उसको हमने कर लिया सही। तो अब क्या करना है, ये जो हम केकड़े का जो लेग्स होते हैं जिससे वो चलता है वो शार्प होते हैं, तो इसको हमको जो है शार्प कर लेना है इस तरीके से। चलिए तो इसको करते हैं, इसको हम ऐसे नीचे की ओर थोड़ा सा लटका के, जैसे जो आप ट्राइंगल देख रहे होंगे बस उसी तरीके से बना देना है हमें ये इस तरीके से। ये देखिए इसको थोड़ा थोड़ा शार्प करके आएगी, ये बन गया। ऐसे ही सेट कर देंगे, यहाँ यहाँ लाइन और बना लेंगे, क्योंकि उसमें जो क्रैब के लेग्स होते हैं वो उसमें बनी होती हैं इस तरीके से। यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये बन गया। अब क्या करना है हमें, पहले क्रैब का हम जो है आइस बनाते हैं, क्रैब के चलिए आइस बनाते हैं। आइस में क्या करना है, ये जो हमें ये लाइंस हैं ये दो लाइंस लेनी है इस तरीके से, ऊपर की थोड़ी चौड़ी और नीचे की पतली सी होगी यूँ। अब इसका सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, ये देखिए ये सर्कल बन गया उसका। अब इसके अंदर एक और सर्कल बनाएं, अब दूसरी वाली बनाते हैं हम लोग। इसको भी ऐसे ही करना है, यहाँ से लेके आएंगे और इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं इस तरीके से। और उसके बाद ये दूसरी आइस जो है हमको उसी के मिला के बना देंगे, ये बन गई इसकी आइज हो गई। अब इसके जो हैं ये हमें क्रैब के जो है वो निकले से होते हैं हुए हैं उसको बनाएंगे, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे हम। यहाँ से ही लेंगे और पूरा यूँ
और फिर इसे इस तरीके से ड्रॉ हो गया है, इसका फेस बना के उसकी फिर हम लोग आउटलाइन करते हैं। ये यहाँ पे इसका फेस बना देते हैं। अब इसको हम लोग आउटलाइन कर देते हैं। यहाँ से इस तरीके से आउटलाइन कर दे रहे हैं। करते हैं ये इसको ब्राउन, इसकी है इसको ब्राउन कर दिया, इधर भी इसको ब्राउन कर दिया। इसको भी ब्राउन, इसकी आईज भी जो है वो ब्राउन कर देते हैं। ये हो गया, अब बाकी पूरा जो है उसको हम लोग येलो कर देते हैं। इसका फेस जो है वो रेड करके यहाँ पे इसको रेड कर दे। हो गया, अब बाकी पार्ट जो है येलो। तो देखिए ये क्रैब जो है वो ड्रॉ हो गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि ये क्रैब है। तो आपको वो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ जो है मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो फ्रेंड्स लाइक नहीं करते हैं प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।